जहां तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप को आए 9 दिन हो गए हैं। दोनों देशों में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में भूकंप से करीब 222 घंटे बाद कहरन मारस शहर में एक इमारत के मलबे से 42 साल की महिला को जिंदा बचा लिया गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दोनों देशों में हुई त्रासदी से 70 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं।